नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली के कनॉट प्लेस में एनडीएमसी डिपार्टमेंट है नगर पालिका, और यहां की जो समस्या है वो सुलझने में नहीं आ रही है, क्योंकि पिछली बार भी मीटिंग की गई है और उसमें कोई जो है निचोड़ नहीं निकल गया या कोई हल अभी नहीं निकल पाया, और जो नेता है, चेयरमैन है या कोई अधिकारी है, वो इन सभी तमाम कर्मचारियों को जो है वो गुमराह करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम जायज़ा लेने आए हैं कि आगे क्या करने जा रहे हैं यूनियन के लोग और कर्मचारी आगे क्या करेंगे। तो चलिए हम मिलाते हैं आपको जितने भी कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कुछ कर्मचारी, और वो आगे की क्या रणनीति कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए अंदर तो एक और ही होता है, अभी हर बार देखते हैं अंदर मीटिंग होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन इसमें एक वो जुमला दे दिया जाता है कि भाई हाँ इतने दिन में ये कर देंगे, इतने दिन में वो कर देंगे। आज इतने दिन पहले उन्होंने एक लिस्ट लगाई थी, उसमें करेक्शन के लिए बोला गया था, आज तक वो करेक्शन हो गया, लिस्ट कहीं नहीं लगी उन्होंने। जब वो लिस्ट तैयार है तो तुम कैसे पक्का कर दोगे भाई, इनको कैसे रेगुलर कर दोगे? और रही बात ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में जिसको परमानेंट रेक किया जाता है उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ आरएमआर को रेगुलराइज करना है, ना कि हम प्रमोशन दे रहे हैं। अब इसने भी ये लोग बार 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 एक ही बात को रिपीट करते जा रहे हैं, तो वो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। अब इसके लिए भाइयों देखो, सबको एक होना पड़ेगा, एक झंडे के नीचे जब तक आप इकट्ठे नहीं होगे तो जब तक कुछ नहीं होगा। आप किसी के पास भी चले जाओ लेकिन किसी एक के साथ रहो, पर अगर मान लो इधर उधर फैलोगे तो कुछ नहीं होगा। आज मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, जहाँ मुझे तन मन धन से साथ हूँ मैं, जहाँ घुसना पड़ेगा सबसे आगे मैं रहूँगा, कम से कम मेरे पीछे तो आप लोग रहोगे। अब हम हर चीज़ के लिए तैयार, इससे पहले हम कभी नहीं आगे आए। अब हम देख रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, कितना लोग मर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज हमें खड़ा होना पड़ रहा है। और मैं जब तक इस काम को नहीं करवा लूँगा, हमारी पूरी टीम खड़ी है साथ में, कोई बंदा पीछे नहीं हटेगा। क्या काम करते हैं आप? आरएमआर कर्मचारी हैं इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट से। क्या परेशानी है बताइए? परेशानी ये है कि आज 15 साल हो गए हैं, और 15 सालों में हमने कम से कम 1500 बार झूठे वादे सुने हैं, जो डिपार्टमेंटल हैं, जो अध्यक्ष महोदय जी हैं हमारे, जो कोई बीजेपी से है, कोई आम आदमी पार्टी से है, यहाँ तक कि हमारे चेयरमैन, कई चेयरमैन आके हमारे से कई चले गए, लेकिन आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। हम आरएमआर थे और एक आरएमआर की भांति ही आज भी काम कर रहे हैं। 12,000 रुपये टोटल हमारे को तनख्वाह मिलती है, और जिससे कि हमारा जो घर का अपना खर्चा है, जैसे बच्चों की स्कूल की फ़ीस है या दवाई पानी के खर्चे हैं, राशन पानी को छोड़ दो तो कम से कम 20,000 का खर्चा तो हमारा सिर्फ यही आता है। 12,000 में हम कैसे गुजारा करते हैं ये प्रशासन को नहीं दिखाई देता। तो क्या चाहते हैं हम? ये चाहते हैं कि अब हमारे को अगर जो परमानेंट कर सकता है बंदा आगे, वो हमारे सामने आए और हमारे को ऑर्डर की कॉपी दे कि भाई जो यूनियनें हमें इस समय बेवकूफ़ बना रही हैं, वो कहती हैं कि भाई आपको ये मिनट्स की कॉपी आ गई है, आपको परमानेंट इस तारीख से माना जाएगा। हम ये कहते हैं 3 साल पहले भी वो मिनट्स की कॉपी आई, 2 साल पहले भी वो मिनट्स की कॉपी आई, मिनट्स की कॉपी अब भी आई, तो जो हमारी ये सारी यूनियनें एक हो गई हैं, वो अब एक ही भाषा, वही भाषा फिर बोल रही हैं जो पुराने यूनियन लीडर बोलते चले आए कि मिनट्स की कॉपी आ गई है, खुशखबरी बनाओ। किस बात की खुशखबरी बनाओ जो अभी तक हम परमानेंट हुए नहीं हैं? दिवाली आई, होली आई, नया साल आया, सारे त्यौहार आ गए और आगे चले गए। इन्होंने बोला कि अब ये त्यौहार आएगा तो आपके ऑर्डर हो जाएंगे, अब वो हो जाएगा तो ऑर्डर हो जाएंगे, लेकिन आज तक कोई ऑर्डर का कोई समाधान नहीं है। चेयरमैन आए वो चले गए, मेंबर आए वो चले गए, यहाँ तक कि बंदे तो यूँ भी आए कि कंक्रीट रिपोर्टें भेजी उन्होंने MHA में, वो कंक्रीट रिपोर्ट ही बन के कंक्रीट रह के चली गई, वो कुछ नहीं हुआ आज तक उस पर। आज आप आगे बैठे हुए हैं, ये अपने दम पे हम आगे बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि हमारे से पीछे से हमारे अफसरों ने और जो बाकी के यूनियन लीडर हैं उन्होंने हमें यहाँ पे आने से रोका भी हुआ है, उसके बावजूद भी हम निकल के आए। हम यही बात बोल रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, और 4500 लड़के हैं, 4500 लड़के कम नहीं होते जो आज की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के साथ में जो यहाँ NDMC के अफसर और चेयरमैन, ये सारे के सारे लिप्त हैं। जिस कदर आज हम जिस स्थिति पे हम बैठे हैं, इन्होंने हमें मजबूर बना के बैठाया हुआ है, हम मजबूर नहीं है, इन्होंने मजबूर बना दिया है। हक की आवाज़ तो उठा ही सकते हैं, हक की आवाज़ आज हम उठा रहे हैं, जब आप हमारे सामने आए, जब हम आज 4 भाई इकट्ठा यहाँ पे हुए हैं,
कुछ यूनियनों ने अभी जो पिछली शनिवार की 20 तारीख की मीटिंग हुई थी उस मीटिंग से पहले इन्होंने ये बोला कि अगर कुछ काम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम हड़ताल करेंगे और धरने पे बैठेंगे। जब मिनट्स की कॉपी इनकी आँखों में चमक गई तो इन्होंने ये बोला कि भाई मिनट्स की कॉपी आ गई है, खुशियाँ मनानी चालू कर दो, काम हो गया है 15 दिन में 20 दिन में महीने में काम हो जाएगा। लेकिन वो 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना साल ऐसे ही निकलते चले जाते हैं और कोई काम होता नहीं है, हम सिर्फ खुशी मनाते रह जाते हैं। अब आगे आवाज़ जो अब ये उठी है ये आवाज़ बंद होने वाली नहीं है, अब किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से अब हम रोष प्रकट करेंगे, ये हमारा तय है। और मैं यहाँ पे 12-13 साल हो गए NDMC में काम करते हुए जी। अब यही बोलते हैं कि अभी पक्का कर देंगे, अब तुम्हारे ऑर्डर निकाल दिए हैं और वो कर दिए हैं। अब ये चीज़ सोच सोच के हम लोग खुद ही पागल हो गए हैं, इतनी मुश्किल होता, कभी कभी इतना डिप्रेशन में माइंड जाता है कि क्या करें, नौकरी करें या घर संभालें, क्या करें। उसके बावजूद भी इतनी कम तनख्वाह में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब यही सोचते हैं कि पता नहीं अभी शनिवार को बोला है कि पक्का कर दिया है और वो कर दिए हैं, अब हमें तो लगता नहीं, जब तक हमारे हाथ में ऑर्डर नहीं आएंगे हमें कुछ भी नहीं विश्वास होगा कि हमें पक्का करा है क्या करा है। और हमारी 10,000 रुपये तनख्वाह है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना हम घर अच्छे से चला सकते होंगे। हस्बैंड है, हस्बैंड के काम से ही हमारा घर चलता है, अदरवाइज़ हमारा तो जो तनख्वाह आती है बस किराए में निकल जाती है, अगर एक दो एब्सेंट लग गई तो उसमें भी गए। और हम NDMC को 12 साल दे चुके हैं, आज हमें क्या मिला है? 10,000 रुपये तनख्वाह, सिर्फ आश्वासन, बस सिर्फ। इतने साल हो गए हम काम करते करते, तो हम अपना हक मांग रहे, तो प्लीज हमें परमानेंट कर दो। कि दूध का जरा छाछ भी फूक फूक का पीता है ना, तो हम इतनी बार जब हमको हमारे साथ विश्वासघात हुआ और किसने किया, अब ये मैं तो बोलूँगा नहीं, चीज़ को सबको पता है, जब लोगों के 10-10, 12-12, 15-15 साल हो गए NDMC के अंदर, आज तक परमानेंटली तरस रहे हैं भाई, 7-7, 8-8 साल इनको TMR पर इन्होंने मेहनत की, उसके बाद आज भी जो है अभी तक 6-7 साल ये होने को आ गए हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हैरानी की बात ये है कि काउंसिल में पास हो गया है, 4 अगस्त 2020 में काउंसिल में पास हो चुका है, आज 7 महीने होने को हैं, 7 महीने हो चुके हैं, 8वां चल रहा है, उसके बावजूद भी अभी भी वही बहाना है कि फाइल MHA भेजी है। इससे पहले भी जब मीटिंग में पास नहीं हुआ था जब भी यही बहाना था कि फाइल MHA में गई है। हमारे एक मेंबर थे माननीय BS भाटी जी, वो मतलब उनका एक आता था कि हर 15 दिन 20 दिन में या महीने भर में एक इश्तहार आ जाता था अखबारों में कि 15 RMR कर्मचारियों का रास्ता साफ, परमानेंटली रास्ता साफ, वो 3 साल से रास्ता साफ हुआ पड़ा था, आज तक जो है अभी तक वो साफ ही है, मतलब परमानेंट वाली गाड़ी नहीं आई, परमानेंट वाली गाड़ी उस पर नहीं आई है, बाकी रास्ता साफ है। अभी कुछ दिन पहले अभी फिर एक बार रास्ता साफ किया गया, अभी 2 दिन पहले अखबार में आया था, अभी कल शायद कल ही आया है, फिर रास्ता साफ हुआ है। अब वो रास्ता सफाई हर बाकायदा सफाई हो रही है, हर यूनियन वाले सफाई कर देते हैं लेकिन वो गाड़ी उस पर नहीं आ रही है, वो बात अलग है कि हमारा नसीब ख़राब है। मतलब प्रशासन जो है आपको पूरा गुमराह कर रहा है? प्रशासन ही बिल्कुल, प्रशासन गुमराह कर रहा है जी, प्रशासन गुमराह कर रहा है, यहाँ मेंबर बैठे हैं वो गुमराह कर रहे हैं। और अब तो सही बताएं तो हमें तो विश्वास ही नहीं रहा कि हमें कौन गुमराह कर रहा है, कौन हमें विश्वास में ले रहा है, अब हमें खुद को अपने पे ही हमें लगता है कि हम खुद अपने आप गुमराह कर रहे हैं। इतनी बार धोखा खा चुके हैं कि हमको खुद को लगने लगा कि हम खुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, बात जो लोगों की बात को सुन लेते हैं, मान लेते हैं। आप चाहते क्या है प्रशासन से या सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? सरकार से बात स्पष्ट है, परमानेंट के लिए लड़ रहे हैं, हमें परमानेंट के ऑर्डर चाहिए, आप हमें मानिए, जब से आपको परमानेंट में मानते जब से मानिए, लेकिन हमें वो माने ऑर्डर कब देंगे जिससे हम माने कि हाँ कि हम हो गया है हमारा काम। आपने तो हमें कह दिया कि हम आपको एरियर देंगे, आप हमें 10-20 साल का एरियर देंगे तो उसका हमें बेनिफिट क्या है? मान लो इस बीच में हम रहे ही नहीं, उसका हमें बेनिफिट क्या है? या फिर मान लो आप हमें ठीक है आप एरियर देंगे, मान लो मेरे परिवार का आदमी मैं ही मेरी वाइफ मेरे बच्चे अभी इस बीच में बीमार पड़ जाएँ, उनको इमरजेंसी पड़ जाए, जहाँ 2-2.5 लाख की मदद जरूरत पड़ जाए मुझे, इस बीच में मेरी 12,000 रुपये कमाने वाले की हैसियत इतनी नहीं है कि मैं 2 लाख रुपये उनको दे पाऊँगा, इस बीच में मैं कहाँ से ला के दूंगा उनको? मैं उन डॉक्टरों क्या बोलूँगा कि मेरा एरियर पास हो रहा है, एरियर बन रहा है, मैं एरियर में से पैसा निकाल के आपको दूंगा? ये तो मेरी समझ से बाहर है कि डॉक्टर इस चीज़ को मान लेगा, नहीं मानेगा डॉक्टर, क्यों मानेगा डॉक्टर इस चीज़?